हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गब्बू माय लाइफस्टाइल। दोस्तों, आज 17 जुलाई, मैं पहुंच गया हूं फिलहाल। मैं अपने किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ही, और मैं हूं अभी ये जंगी चेक पोस्ट, ओल्ड चेक पोस्ट। दोस्तों, मैं थोड़ा एक दो दिन से फ्री था, तो आज निकला मैं घर से, तो सोचा था कुछ एक मोमेंट कैप्चर करूँ अपने किन्नौर का ही। ये आगे है अपना रिकोंगपियो पुआरी और शिमला वाला NH, ये NH है, NH5, और ये लिंक रोड जा रही है इस पुल के ज़रिए। ये पुल जा रही है भाई, मुझे इस पुल से जाके, ये देखिए भाई, मुझे जाना है यहाँ पे किला। लावरंग में भी, मेरे गांव में भी फोर्ट है, और इस मुरंग गांव में भी फोर्ट है, और थोड़ा बहुत देखते हैं मुरंग फोर्ट को नज़दीक से, और मुरंग गांव को भी देख लेते हैं। यार, मैं लाइफ में कभी मुरंग गांव गया नहीं हूँ, तो देखते हैं, थोड़ा बहुत आगे चलते हैं। टाइम है तो मैं 2-3 जगह को एक्सप्लोर करूँगा, गाँव को देखते हैं, जानते हैं, गलियों को जानते हैं, मकानों को देखते हैं। तो चलिए मेरे साथ मुरंग गाँव की ओर। वाओ, ये NH हमारा, और मैं लिंक रोड से जा रहा हूँ। और दोस्तों, खास तौर से ये देखिए, रोड मेटलिंग है ग्रामीण के लिए, मुरंग के लिए। और एक ग्रामीण क्यों लिखा है मुझे भी नॉलेज नहीं है, या आगे लोकल से पूछेंगे, यहाँ के बाशिंदे लोकल मुरंग के गांव से। रोड का जो हालत है ना, जो ब्रेथ है, जो चौड़ाई है, बहुत कम है। मेरे गांव से भी बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पे, और ये पहाड़, स्पेशली ये वाला पहाड़ बहुत डेंजर वाला था, ये वाला। और आगे कैसे कैसे मूवमेंट है भाई, दिखाते रहेंगे। फिलहाल यहाँ का नज़ारा बहुत बेहद ही खूबसूरत, और बगीचों का क्या कहना, बगीचों के बारे में थोड़ी देर में हम बात करेंगे, मुरंग के बगीचों के बारे में। फिलहाल लावरंग वाले से 10 गुना बगीचा यहाँ पे। भाई बहुत डेंजर वाला रोड दिख रहा है ये। अब मैं ग्रामीण के लिए 3 किलोमीटर है, शायद मुरंग के आसपास ही गांव हो सकता है, या मुरंग को ही ग्रामीण बोलेंगे, तो मुरंग गांव। और ये देखो भाई, फिलहाल यहाँ का नज़ारा देखो भाई, ये पहाड़ बहुत ज़बरदस्त दिख रहे हैं। ये पहाड़ देखो भाई, क्या ज़बरदस्त पहाड़ है। फिलहाल मेरा मन कर रहा है इन पहाड़ों में छुप जाऊँ जाके। और ये हमारा NH जिस रोड पे मैं आ रहा था, और सतलुज नदी चार चांद किन्नौर जिले में इन पहाड़ों को चीरते हुए। और ये देखिए खूबसूरत गांव। और मैं अब निकल रहा हूँ इसी रोड पे आगे मुरंग गांव के लिए। तो दोस्तों, मैं चलते चलते अब पहुंच गया हूं मैं मुरंग। तो गाइस, ये पीछे लिखा हुआ था ग्रामीण। अब यहां मेरे साथ देखिए कितने लोग जुड़े हैं, ये लिटिल किड है, और तीनों बच्चे यहां देखिए। तो छोटे भाई यहां बता देना, मुरंग के बारे में क्या बता रहे थे। मुरंग बहुत एक गांव है, उसके अंदर भी पार्ट बने हैं, क्या क्या है। जहां हम खड़े हैं पहले यहां से स्टार्ट करो, ये लालेन, उसके बाद ग्रामंग, और उसके बाद करजंग, उसके बाद शिलिंग, करजंग का शिलिंग के बाद मकरमंग, मकरमंग का खोपा के बाद थ्वारिंग। ये पूरा एक ही गांव है, मुरंग के अंदर आता है ना। ये नीचे वाला ग्रामिंग है, ये लालेन है,
और साथ साथ में होगा ना, सबसे बड़ा पार्ट किस में आएगा? सबसे बड़ा पार्ट आपका शिलिंग है। शिलिंग है ना, वहाँ लोग ज्यादा होंगे। और ये मंदिर कब बना था इसके बारे में थोड़ा अंदर जाके देखते हैं कितना। फिलहाल है ना देखिए मैं मंदिर में आया हूँ, बुद्धिस्ट मंदिर। तो गाइस यहाँ पे भी दखरेन मेला है भाई, पंगी में बहुत बड़ा ओकेजन हुआ था पंगी गाँव में। और फिलहाल इसका नजारा लो यार, इस गाँव का नजारा लो, लालेन का है ना। देखो कैसे थंगी को यही थंगी के लिए यही रोड गया ना पार वाला है ना। सारे बाइकर्स यहाँ पे पार्क करते हैं, ये लोकल है गांव के लोगों का भाई। रॉयल एनफील्ड हिमालयन। वाह। तो दोस्तों अब मैं पहुंच गया हूँ मोनेस्ट्री। तो इस मोनेस्ट्री को देखते हैं, इतना बड़ा, काफी बड़ा मोनेस्ट्री, बहुत सुंदर दिख रहा है मोनेस्ट्री। वाह ये देखो भाई, अभी ये मंदिर रेनोवेशन चल रहा है इस बुद्धिस्ट मंदिर का। वाओ, बाकी यहाँ से भी गेट है और ये भी मंदिर का ही पार्ट है ना, मंदिर का ही है। बिल्कुल यहाँ दिखा देता हूँ, ये यहाँ लिखा है 1989। हाँ यहाँ देखो भाई, अंदर गेट बंद है ना। हाँ ये देखो भाई, घरों में देखिए, घरों की छतों पे देखिए। हमारा तो अभी चूल्ही पक्का नहीं है, चूल्ही ड्राई फ्रूट्स, ये ड्राई फ्रूट्स जिसको हम एप्रिकॉट बोलेंगे, ये हर घरों के छतों में देखिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट जो मैं बता रहा था यहाँ तो हर घरों में है। वाह, फिलहाल ये नज़ारा देखो भाई। तो भाई अंदर बंद पड़ा है ये मंदिर, यहाँ गेट बंद है। पर अपने छोटे भाई, तुम्हारा क्या नाम है? सिद्ध। छोटे भाई जाके आए थे चाबी के लिए अंदर खोलने के लिए, पर कोई भी नहीं है वहाँ पे ना। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे। सिद्ध और तुम्हारा नाम क्या बताया था? सबा। सबा और निकनेम दो। और ये यांश है? रियांश। तो फिलहाल देखो भाई यहाँ से जो नज़ारा का देखने का मज़ा है ना, ये है जंगी, और जंगी से ऊपर गाँव से देखिए ये पहाड़ आया है। फिलहाल उन पहाड़ों पे जाने का मन कर रहा है मुझे, और ये दिखाते नजारा पूरा। हम लोग वहां जा सकते हैं, पहाड़ है। एक सेकंड मुझे थोड़ा सा कैप्चर मोमेंट कैप्चर करने दो छोटे भाई, है ना। भाई है ना वो वाली जो पार्टी में वाला ब्लैक वाला ना क्या था? बोले जी आप ही हेलमेट लेके, आप ही हेलमेट। अभी हम लोग ऊपर जाते हैं ना, अभी ये देखो भाई पूरा गांव। ये हमारा NH नीचे जो है, और ये रिकोंगपियो शिमला के लिए जा रही है रास्ता, शिमला रामपुर NH रिकोंगपियो रामपुर के लिए यही रोड है। और फिलहाल यहाँ का नज़ारा देखो भाई, दोस्तों ये देखिए मोरंग का फोर्ट। अब मुझे यहाँ पे जाना है और यहाँ के लिए रास्ता देखना पड़ेगा कैसे है भाई। ठीक है, तो दोस्तों हाँ मैं पहुंच गया हूँ मोरंग मोनेस्ट्री। इस मोनेस्ट्री, ये मोनेस्ट्री यार नया बन रहा है, बहुत बड़ा मोनेस्ट्री बन रहा है सीरियसली। तो भाई बहुत ही अच्छा लगा इस मोनेस्ट्री में आके। और मेन चीज़ है दोस्तों यहाँ पे जो ये पहाड़ जो पीछे था, मैं जो वीडियो में ऐड करूँगा या मैं जो वीडियो में मैंने ऐड करा है, तो ये पहाड़ बहुत ही ज़बरदस्त पहाड़ है। और ये लालेन है ना गाँव, ये लालेन है। तो मोरंग को बहुत ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इन्होंने, इस गाँव को हेमलेट में डिवाइड कर रखा है। तो ये लालेन है, आगे ग्राम नीचे ग्रामीण है, बहुत चीज़ें हैं जो आज मैं मोरंग गांव को एक्सप्लोर करना चाहूँगा। तो गाइस यहाँ देखिए, यहाँ पे भी मंदिर है, ये बहुत बड़ा मंदिर लग रहा है, क्या बात है। पूरे डांग में ये मंदिर बन रहा है भाई, पूरे डांग में ये
ये वाला मंदिर, ये मंदिर पूरे डांग में मंदिर जलता है। पहले बंद रखो ना, इधर रुक जाओ। तो आगे की तरफ चलते हैं भाई, यहाँ से ठीक है। पाओ क्या वाली में मेन मकान में बना रखा है इन्होंने। ये देखो भाई अपने पलट है, पर ज्यादा नीचे नहीं जाना, पर यहीं से देखना है जहाँ से पूरा नजारा। यहाँ देखो भाई लेंस से देखते, ये पूरा मंदिर है ना, ये वाला मेन मंदिर है। देवता यहीं रहते हैं ना? यस। देवता का क्या नाम था यार, मैं भूल गया हूँ। अरमिशु डंबर। हाँ। हाँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या बात है। यहाँ से नजारा दिखेगा, वाह पत्थर वाला छत है भाई, काफी टाइम के बाद दिखा मुझे। ये उधर को क्या है भाई, ये इधर भी मंदिर है, तो वहां चलना था यार, दू नहीं चलते, यहाँ कोई होगा। फिलहाल इस नज़ारे को कैप्चर कर लेते हैं, बहुत प्यारी जगह पे हमें खड़ा हूँ फिलहाल, पूरा गांव का नज़ारा दिख रहा है, और शायद मुझे वहाँ पे भी जाना चाहिए, मैं शायद वहाँ जाऊँगा। उसके लिए तो मुझे वाया दूसरी साइड से होके जाना पड़ेगा, इस साइड से रास्ता है। ठीक है, वाह वाह, ये ना काउ शेड है इनका, छोटे 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 से बच्चे का। ये अपने छोटे भाई लोग भी मिल गए भाई, ये लोग जा रहे हैं, आप भी कहाँ जा रहे हैं आप लोग? फुलेज, जहाँ उकिंग संतंग है, बहुत हाइट पे है भाई, वहाँ जाने की बात कर रहे हैं, पर मेरे पास टाइम इतना नहीं कि वहाँ जाने का, फिर मिलेंगे। क्या क्या नाम है आपका? विनीत। कौन से क्लास में हो? यहीं गाँव में पढ़ते हो? सुंदरनगर पढ़ते हो, क्या बात है। अच्छा आपका क्या नाम है? अमानत। कहाँ, यहीं पर रहते हो? गाइस मैं अब मोनेस्ट्री से निकल रहा हूँ, अब देखते हैं मैं फोर्ट तक जाऊँ या न जाऊँ। मेरे साथ छोटे भाइयों में इन्होंने बहुत साथ दिया है मेरा, आप बने रहे चैनल पे, और फिलहाल देखिए क्या मस्त मौसम है, और इस बीच ये पहाड़ बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है गाइस, फिर मिलेंगे है ना, तो बने रहे चैनल पे, आगे का मूवमेंट दिखाएंगे, आ जाओ दो। ठीक है गाइस, ठीक है, बाय बाय करो, बाय 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 बाय, इधर आ जाओ, पहले इधर आ जाओ, ठीक है बाय। तो गाइस मैं अब नीचे उतर रहा हूँ, और ये देखिए भाई सीढ़ीदार खेत कितना प्यारा दिख रहा है भाई। और यहाँ पे भी नए खेत बन रहे हैं, और साथ में ये देखिए नीचे इधर पुल है, पुल इधर को ही है दोस्तों। तो दोस्तों ये है मुरंग फोर्ट, अब मुझे यहाँ जाना है, देख यहाँ से नज़ारा देखिए फिलहाल। ये देखिए